नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती कविता राठौर है। मैंने इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। मैं रायगढ़ जिले की निवासी हूँ। मेरे जिले की विशेषता है कि यहाँ बड़े बड़े विश्वविख्यात उद्योग स्थापित हैं, जैसे भिलाई का स्टील प्लांट, कोरबा का थर्मल पावर प्लांट और रायगढ़ का स्टील आयरन प्लांट, या जो हमारे जिला और छत्तीसगढ़ राज्य को आर्थिक संपन्नता प्रदान करती है। हमारा जिला वन संपदाओं से भी परिपूर्ण है। मैं प्राथमिक शाला गोपी महागा में कार्यरत हूँ सहायक शिक्षक के पद पर, और मेरे शाला में 99 बच्चे पढ़ते हैं और सभी ग्रामीण परिवेश से हैं। और मेरी समस्या थी कि मैं उन तक कैसे नई नई गतिविधियाँ लेकर जाऊँ और कैसे बच्चों को सिखाऊँ, कैसे रुचिकर तरीक़ों से उनको सिखा सकूँ। तो मुझे ZIIEI के प्रशिक्षण से यह पता चला कि मैं बच्चों में कैसे नए नए तरीके शून्य निवेश नवाचार में नए नए TLM बना के उनको सिखाने के लिए नए नए गतिविधियाँ कर सकती हूँ, और इससे बच्चे रुचि लेकर सीख भी सकते हैं। इस प्रशिक्षण से मैंने जहाँ तक समझा कि जितने भी कार्य हम करते हैं वो कहीं ना कहीं क्रमबद्धता उसमें नहीं रहती। तो जैसे कि द्रोण सर जी ने हमें बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण दिया और उन्होंने हमें बताया कि हम किस तरीके से गतिविधियों को एक क्रमबद्धता देकर अच्छे तरीके से हम बच्चों तक ले जा सकते हैं, और किस तरीके से हम ज़्यादा अधिगम स्तर या दक्षता उनमें ला सकते हैं। जैसे कि सर ने अपने ऑनलाइन प्रशिक्षण में 8 मॉड्यूल्स को रखा, उसमें बहुत सारी ऐसे चीज़ें थी जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं अपने बच्चों तक भी लेके गई और बच्चे उसे बहुत खूब रुचि लेकर बहुत अच्छे से सीखे, चाहे वो चित्रों पर बात हो, चाहे गणित, चाहे भाषा, चाहे पर्यावरण, किसी भी विषय को लेकर मैंने कार्य किए। सभी में बच्चों ने अच्छे से रुचि लेकर सीखा। मेरा विद्यालय भी रोल मॉडल इसलिए है कि क्योंकि मेरे बच्चे सीखने में बहुत ही अच्छा से रुचि लेते हैं, पूरी लगन से सीखते हैं, और जो जो चीज़ मैं लेके जाती हूँ उसको पूरी मेहनत से करते हैं और सीखते हैं, और उससे पक्की समझ बनाते हैं। तो मैं अरविंदो सोसाइटी का ZIIEI का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतना अच्छा मंच प्रदान किया और हमें भविष्य में ऐसे प्रशिक्षण देते रहें। धन्यवाद।